आज जिसे हम बिहार कहते हैं, अपना बिहार, यही भूभाग प्राचीन इतिहास के ज्ञात अज्ञात काल से संपूर्ण भारत के निर्माण और विकास में निर्णायक भूमिका निभाता रहा है। प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी डॉक्टर सुनीति कुमार चैटर्जी अपनी पुस्तक भारतीय आर्य भाषा और हिंदी में कहते हैं, भारत के निवासियों में सबसे पहले निग्रीटो थे, जो अफ्रीका से प्रागैतिहासिक युग में अरब ईरान के समुद्र तटों से होते हुए भारत आए। ठिगने कद के काले ऊनी बालों चिपटी नाक वाले निग्रीटो पूर्व पाषाण युग के मनुष्य थे। ये जंगलों में रहते और कंदमूल खाकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। धनुष चलाने की कला में माहिर थे ये। निग्रीटो के बाद पश्चिमी एशिया के ऑस्ट्रिक और उनके बाद द्रविड़ आए। द्रविड़ों के बाद आर्य जातियां और उत्तर पूर्व से तिब्बती चीनी लोग भी आए। प्राचीन भारत में ऑस्ट्रिक निषाद कहलाए, द्रविड़ असुर नाम से प्रसिद्ध हुए। तिब्बती चीनी मूल के मंगोल किरात कहलाए। इन जातियों के बीच के लंबे संघर्ष, सह अस्तित्व, समझौतों, सामाजिक मिलन, रोटी बेटी के रक्त संबंध और समन्वय से भारतीय संस्कृति की अनोखी धारा फूटी। हिंदी के विख्यात राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर इसे कहते हैं, भारत निर्माण की पहली क्रांति। वो कहते हैं, आर्य और आर्येतर जातियों का मिलन भारतीय संस्कृति के इतिहास की पहली क्रांति थी। भारतीय आदिमानव की उत्पत्ति के मामले में विद्वान एकमत हैं कि निग्रीटो, निषाद, द्रविड़ और किरात जातियों ने छोटा नागपुर के पठारी इलाकों में अपनी जड़ें जमाई। जंगल, झरने और पहाड़ों से घिरी यह आदि भूमि उनके सम्मिश्रण का संक्रांति स्थल बनी। आज के कोल, मुंडा, संताल, हो, भूमिज, शबर उन्हीं मिश्रित जातियों के वंशज हैं। इन मिश्रित जातियों ने ही यहां झूम खेती की प्रणाली चलाई। पहले पहल धान, केला, नारियल, सुपारी, अदरक, लौकी, बैगन आदि उन्होंने ही उपजाए। जंगल से पकड़कर मुर्गी, हाथी आदि को पालना उन्होंने ही प्रारंभ किया। हिंदू नारियों का सुहाग चिन्ह सिंदूर उन्हीं की देन है। इन्हीं जातियों और आर्यों के मेल से इस आदि भूमि में हजारों हजार वर्ष पहले जिस मानव जन की रचना हुई, उसे ही हम आज भारतीय जन कहते हैं। इसी से भारतीय संस्कृति प्रस्फुटित हुई, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू सभ्यता का भीतर से प्रकाशित हो उठना कहते हैं। भारत में संस्कृति के सबसे प्रबल उपकरण आर्यों और आर्यों से पहले के भारतवासियों के मिलन से उत्पन्न हुए। इस मिलन, मिश्रण या समन्वय से एक बहुत बड़ी संस्कृति उत्पन्न हुई और यही है बिहार की प्रागैतिहासिक पृष्ठभूमि। सभ्यता का भीतर से प्रकाशित होना यहीं संभव हुआ।
और यही है वर्तमान बिहार के होने का आदि अर्थ और सांस्कृतिक पहचान भी। इतिहास गवाह है, महान नदियों के तटों पर महान सभ्यताएं और संस्कृतियां पनपी, पुष्पित और पल्लवित हुई, खासकर उन तटों पर जहां आकर नदियां स्थिर होती हैं, वयस्क होती हैं, धीर होती हैं, गंभीर होती हैं। पंडित नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कहते हैं, गंगा से बढ़कर हिंदुस्तान की कोई नदी नहीं, उद्गम से लेकर सागर से मिलने तक, पुराने जमाने से लेकर आज तक हिंदुस्तान की संस्कृति की, साम्राज्यों के उठने और नष्ट होने की, मनुष्य के साहस और साधना की, जीवन के पूर्णता की, विकास और हास की, जीवन और मृत्यु की कहानी है। बिहार के विद्वान हवलदार त्रिपाठी सहृदय नेहरू से सहमत हैं, लेकिन इनका स्पष्ट अभिमत यह है कि भारतीय इतिहास मुख्यतः बिहार की गंगा के तट पर विकसित सत्ता, सभ्यता और संस्कृति की विराट गाथा है। अपनी किशोरावस्था को पार कर गंगा बिहार में वयस्क रूप धारण करती है, मातृ सरिता बनती है। यह चौसा बक्सर में प्रवेश करती है और अन्य किसी भी प्रदेश से अधिक लंबी दूरी तय करती हुई सोन, गंडक, कोशी, बागमती जैसी कई सदा नीरा नदियों को अपनी गोद में पनाह देती है। अपनी प्रौढ़ावस्था में सागर से मिलने के लिए गंगा हमें राजमहल में छोड़कर विदा लेती है। एक तरफ हिमालय और तीन तरफ समुद्र से घिरा विशाल भूभाग, यह है भारत की प्राकृतिक पहचान। इसे एक राष्ट्र की राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान प्रदान करने में सदियों नेतृत्व की निर्णायक भूमिका अदा की गंगा घाटी में अवस्थित बिहार ने। इसलिए यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं कि भारत राष्ट्र के निर्माण और विकास का 3/4 प्राचीन इतिहास वस्तुतः बिहार का इतिहास है। यह अतिशयोक्ति नहीं, गर्वोक्ति भी नहीं। यह सही है कि ईसा के करीब 1500 साल बाद इस भूभाग को बिहार राज्य की संज्ञा मिली, लेकिन इसकी सांस्कृतिक विरासत का इतिहास सागर से हिमालय तक फैले भूभाग के हिंदुस्तान या इंडिया कहलाने से नहीं, बल्कि ईसा के 1500 वर्ष पहले ही जम्बू द्वीप को भारतवर्ष कहे जाने से प्रारंभ होता है। मगध के चप्पे चप्पे में बौद्ध विहार होने की वजह से इस प्रदेश को विहार और फिर बिहार कहा जाने लगा, जो 13वीं शताब्दी से प्रचलित हो गया। प्रांत का यह नाम सर्वप्रथम तबकात ए नासिरी में मिलता है, जिसकी रचना उसी दौर में हुई थी। तबकात ए नासिरी यानी नासिरी का दस्तावेज। इसमें एक शेर है, बख्त सुईदर अत खजान आयत, रस्त चून बुत परस्त सुई बिहार, यानी तकदीर फिसलते फिसलते तुम्हारी दहलीज पर आती है, जिस तरह बुत परस्त बिहार जाता है। इसे आप शायद दिलचस्प साहित्यिक संयोग कहेंगे कि उर्दू लिपि में
बिहार और बहार एक ही तरह से लिखे जाते हैं, लेकिन क्या इस अनुभव को भी महज कल्पना मानेंगे कि कवि लेखकों ने इस प्रदेश की उर्वरता और सुखद जलवायु के कारण इसे निरंतर वसंत का प्रदेश समझा और बिहार को बहार का पर्याय बना दिया? आप शायद कहेंगे, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। ये बाढ़, सुखाड़, दरकती जमीन, झुलसता आसमान, जानलेवा ठंडक, यह भी तो बिहार का सच है। हां, यह सही है, कोरी साहित्यिक कल्पना नहीं, इतिहास का भोगा हुआ यथार्थ है। प्रकृति के इस अतिवादी रूप पर काबू पाना अतीत में असंभव था, वर्तमान में भी कठिन चुनौती बना हुआ है, लेकिन बिहार मिटा नहीं, जीवन हारा नहीं, यह सबसे बड़ा सच है। यूनान ओ मिश्र ओ रोमा, सब मिट गए जहां से अब तक, मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। इकबाल की इन चार पंक्तियों में सिमटा है भारतीय सभ्यता संस्कृति का विराट इतिहास, और इस इतिहास में अपनी हस्ती के अमिट होने की पहली इबारत लिखी बिहार की धरती ने। जब पूरे विश्व में विभिन्न राजतंत्रों की अराजक कलम और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की स्याही से सत्ता राजनीति की परिभाषाएं गढ़ी जा रही थी, तभी बिहार ने गणतंत्र की स्थापना कर विश्व को पहला और नया राजनीतिक दर्शन दिया। ईसा पूर्व छठी शताब्दी में 16 जनपदों का भारत जब विभिन्न राजतंत्रों में बटा था, तब सर्वाधिक गणतंत्रों का भूभाग था बिहार। इन गणतंत्रों का अस्तित्व सैकड़ों वर्ष तक विभिन्न राजतंत्रों के समानांतर चला। इसी दौरान पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने वाली राजनीति की नींव डाली मगध शासक बिंबिसार ने। महाभारत और पुराणों के अनुसार बृहद्रथ ने मगध राज्य सत्ता की स्थापना की, पर रामायण इसका श्रेय वसु को देती है जिसने वसुमती बसाई जो आज का गिरियक है। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था जरासंध, तब मगध की राजधानी था यही गिरियक। हर्यक कुल के बिंबिसार ने गिरियक से हटाकर 5 पहाड़ों से घिरे राजगृह को मगध की राजधानी बनाया। एक अत्यंत विवादास्पद प्रश्न है कि वैदिक युग में पत्थरों का प्रयोग नगर बसाने में होता था या नहीं। ऋग्वेद में पत्थर के बने नगरों की चर्चा है, इसमें राजगीर के प्राचीन नगर की किलेबंदी उल्लेखनीय है जिसका निर्माण
पृथ्वी के आकर्षण शक्ति का सहारा लेकर पाषाण की बड़ी बड़ी चट्टानों को बिना गारे के जोड़कर किया गया था। यह किलेबंदी वैदिक युग की है? नहीं, इसे सिंधु घाटी सभ्यता के बाद का प्राचीनतम अवशेष माना जाता है। पाटली पेड़ों के बीच बसा पाटली ग्राम बिंबिसार के पुत्र अजात शत्रु के काल में पाटलिपुत्र के रूप में विकसित हुआ। मौर्य शासक चंद्रगुप्त के नेतृत्व में विदेशी शासन का अंत हुआ और पूरे भारत में सुगठित शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। तब पाटलिपुत्र मगध की राजधानी और अखिल भारतीय साम्राज्य का केंद्र बन गया। राजनीतिक तौर पर समस्त भारत का एकीकरण करने वाला मौर्य साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा सम्राट अशोक के नेतृत्व में। मौर्य काल से ही भारत में सत्ता राजनीति परिमार्जित राज्य व्यवस्था के शास्त्र के रूप में प्रकट हुई। इसका प्राचीनतम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रमाण है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जिसका लेखक था चंद्रगुप्त मौर्य का महामंत्री चाणक्य। यूं तो ग्रंथ का नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन इसमें चाणक्य ने शक्ति का शासन और राज्य नियंत्रण की राजनीति को व्यावहारिक विज्ञान के रूप में सूत्रबद्ध किया। लेकिन इससे सैकड़ों वर्ष पूर्व बिहार के दूसरे अंग मिथिला में क्या हो रहा था? मिथिला में वैदेही के पिता महान दार्शनिक राजा जनक के मंत्री याज्ञवल्क्य ने तत्कालीन भारतीय समाज को वे सांस्कृतिक मूल्य दिए जो आज भी भारतीय समाज की चेतना को एक सूत्रता में पिरोए हुए हैं। जनक के राजपुरोहित याज्ञवल्क्य ने आचार, शिष्टाचार और सदाचार के परस्पर संबंधों को व्याख्यायित करते हुए लोकाचार की उन कसौटियों को सूत्रबद्ध किया जिससे देशज संस्कृति राष्ट्रीय संस्कृति के रूप में विकसित हुई। याज्ञवल्क्य ने ही मनु द्वारा स्थापित उस सूत्र का जोरदार खंडन किया जिसमें कहा गया कि वंश परंपरा से प्रचलित आचार ही सदाचार है। उसने वंश और वर्ण व्यवस्था पर आधारित सदाचार पर प्रश्न चिन्ह लगाया जिसमें शूद्रों को सबसे निकृष्ट मनुष्य माना गया। सत्ता समाज और संस्कृति में कांटे की तरह कायम यह चुनौती आज भी हमारे समाज को झकझोर रही है। उसने शुक्ल यजुर्वेद और शतपथ ब्राह्मण की रचना की। उसी युग की नारी दार्शनिकों में ब्रह्मवादिनी गार्गी भी हुई जिसने याज्ञवल्क्य के तत्व ज्ञान को अंतिम सत्य अथवा असंदिग्ध मानने की ब्राह्मण परंपरा पर प्रश्न चिन्ह लगाया। बृहदारण्य उपनिषद में दर्ज हैं गार्गी द्वारा पूछे गए वे दो प्रश्न जो उपनिषद के अत्यंत ही महत्वपूर्ण अंश हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने अपनी पुस्तक आर्गुमेंटेटिव इंडियन में जिसकी विस्तार से चर्चा की है। उसी युग की दूसरी नारी मैत्रेयी को भला कैसे भुलाया जा सकता है? विदुषी ब्रह्मवादिनी के रूप में जिसकी एकदम अलग पहचान थी। मनुष्य में अमरत्व की चाह जन्मजात होती है, लेकिन क्या ब्रह्मांड की पूरी भौतिक संपदा भी मनुष्य को अमरत्व प्रदान कर सकती है? मैत्रेयी ने अपने कर्म और आचरण से यह साबित कर दिखाया कि आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति ही अमरत्व है, जो ब्रह्म ज्ञान का सर्वोत्तम उपादान है। मैत्रेयी को याज्ञवल्क्य की पत्नी होने का भी अभिमान था। इनके अलावा ऐसी अनेक नारियां बिहार इतिहास
के पन्नों में समाहित हैं, जिन्होंने न सिर्फ पारिवारिक जीवन बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन में भी पुरुष से बराबरी और साझेदारी के महत्व को रेखांकित किया। बाद के वर्षों में इसका ज्वलंत उदाहरण बनकर उभरी मंडन मिश्र की पत्नी भारती। मंडन मिश्र प्रकांड पंडित थे। उन्होंने योग और मीमांसा के अनेक मौलिक ग्रंथों की रचना की। उनकी विद्वता की गूंज प्रदेश की सीमाओं को लांघकर केरल तक पहुंच गई थी, जहां के शंकराचार्य उनसे प्रभावित होकर सीधे मिथिला पहुंच गए। एक ही ब्राह्मण परंपरा के दो विद्वान शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच लंबा शास्त्रार्थ चला। इस शास्त्रार्थ में भारती ने न्यायाधीश की भूमिका निभाई। शास्त्रार्थ का विषय था ब्रह्मसूत्र। इस शास्त्रार्थ की परिणति क्या हुई? मंडन मिश्र पराजित हुए, शंकराचार्य विजयी। पर भला भारती अपने पति की हार को कैसे स्वीकार करती? भारती ने शंकराचार्य को अपने साथ शास्त्रार्थ की चुनौती दी। विषय बना काम। ऐसे संवेदनशील विषय पर चले शास्त्रार्थ में भारती के समक्ष आदि गुरु शंकराचार्य को अपना सर झुकाना पड़ा। भारत का हिंदू साहित्य, चाहे धार्मिक हो अथवा लौकिक, यौन कथाओं, यौन प्रतीकों और प्रत्यक्ष प्रेम संबंधी अवतरणों से परिपूर्ण है। देवी देवता के संयोग द्वारा सृष्टि निर्माण को मूर्तियों के रूप में प्रदर्शित किया गया। मैथुन के चित्र मंदिरों की दीवारों पर अंकित किए गए। इनमें काम वासना को मनुष्य की यौन इच्छाओं की पूर्ति की पार्श्विक क्रिया के बजाय स्त्री और पुरुष दोनों की ही इच्छा पूर्ति के लिए एक शुद्ध पारस्परिक संबंध बनाने की कला के रूप में प्रस्तुत किया गया। विभिन्न मठों मंदिरों के अवशेषों में भी यह देखा जा सकता है। इनमें बनी नर नारी की मूर्तियां काम कला की अद्भुत छवियां प्रस्तुत करती हैं। इन मूर्तियों में नारी के पूर्ण विकसित उरोज, चौड़े नितंब, अत्यधिक क्षीण कटि, प्रणय भावनाओं से मदमाती थकी उनिंदी आंखें और लालसामयी कामचेष्टाएं पूर्ण ईमानदारी के साथ प्रदर्शित की गई हैं। इनमें आनंद विवाहलता के साथ रोचकता है और प्रेमाभिव्यक्ति के साथ गरिमा, संसारी जीवन की रागात्मक प्रवृत्तियों के साथ आध्यात्मिक सौंदर्य की अभिव्यक्ति में इन मूर्तियों की सानी नहीं। गुप्त काल में काव्य ग्रंथों से निकलकर काम कला जैसे पाषाण मूर्तियों में समा गई। इस विषय पर अनेक ग्रंथ विद्यमान हैं। उनमें सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है वात्स्यायन का कामसूत्र। महाभारत कहता है कि सारे अथर्ववेद की रचना अंगिरा ने की। अंगिरा और उसके वंशज आंगिरस बिहार के ही भूमिपुत्र थे। उपनिषदों के रचना क्षेत्र विदेह और मगध ही रहे हैं। इसी आलोक में होम ऑफ वेदा एवं प्रांग मौर्य बिहार के लेखक डॉक्टर देव सहाय त्रिवेद स्पष्ट कहते हैं, हम वैदिक साहित्य के आंतरिक अध्ययन और उनके ऋषियों की तुलना से इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि संहिताओं, ब्राह्मणों, आरण्यकों और उपनिषदों का अधिकांश बिहार प्रदेश में ही रचा गया। यह तो जग जाहिर है कि उपनिषद काल में ही बिहार ने जैन और बौद्ध नास्तिक धर्म दर्शनों को जन्म दिया। जैन शब्द बना जिनसे, जिसका अर्थ है विजयी। वैशाली के आंगन में जन्मे तीर्थंकर महावीर से अति प्राचीन जिन संप्रदाय को जैन धर्म की संज्ञा मिली और गया ने
सिद्धार्थ को बुद्धत्व का वह बीज दिया जिसके विराट वृक्ष को हम बौद्ध धर्म के नाम से जानते हैं। जिस समय उपनिषद आत्मा को अनित्य एवं अजर अमर करार देकर मोक्ष प्राप्ति के लिए कर्म की धूल से इसे साफ रखने का निर्देश दे रहे थे, उसी काल में बुद्ध ने अनात्मवाद का सिद्धांत प्रतिपादित कर समस्त भारतीय मानस को झकझोर दिया। बुद्ध की ज्ञान साधना से सिद्ध यह वाणी दिग दिगंतर व्याप गई। जहां तक तुम्हारा जीवन है वहीं तक तुम्हारी आत्मा है, उसे तृष्णा जनित बंधनों से मुक्त करो, तभी निर्वाण की प्राप्ति होगी। इस तरह विकास के प्रथम चरण में ही मिथिला तर्क एवं मीमांसा की ब्राह्मण परंपरा का मजबूत वाहक बनी और मगध प्रायोगिक ज्ञान की श्रमण परंपरा का उद्गम स्थल। इन विभिन्न परंपराओं ने विचार स्वातंत्र की गंगा को शक्ति संपन्न किया और मानवता को कट्टरता से मुक्त किया। इसीलिए विशेषज्ञ अक्सर कहते हैं, बिहार की भूमि में ही यह गुण है और यहीं के लोग इस ढांचे में ढले हुए हैं कि यहां परम स्वतंत्र विचारों का पोषण होता है। साहित्य समाज का लिखित इतिहास है। संस्कृत, प्राकृत और पाली भाषा में रचित विशाल साहित्य संपदा साक्षी है कि भारत की हृदय स्थली बिहार ने ऐसी प्रतिभाओं को जन्म दिया और बाहर की ऐसी प्रतिभाओं को अवसर प्रदान किया जिन्होंने साहित्य और शास्त्रचर्या के साथ साथ विभिन्न कलाओं में उत्कृष्टता का इतिहास रचा। संस्कृत भाषा की उत्पत्ति संभवतः 1500 वर्ष ईसा पूर्व हुई। एक पठान ब्राह्मण पाणिनि ने ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में महान व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना कर संस्कृत भाषा को प्रभावपूर्ण ढंग से स्थिर किया और शास्त्रीय रूप दिया। पाणिनि की तरह ही पिंगल, उपवर्ष, पतंजलि आदि कई शास्त्रकार बिहार आए और पूरे राष्ट्र में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा दिया। लेकिन क्या पुरातत्व के अभाव में साहित्य के जरिए इतिहास को स्थिर किया जा सकता है? कला के इतिहास के संदर्भ में यह यक्ष प्रश्न रहा है। 20वीं सदी के पूर्वार्ध से बिहार में जारी पुरातात्विक उत्खनन से ये अनुमान कुछ कुछ सत्यापित होने लगे हैं कि प्राचीन साहित्य भी कई मायनों में इतिहास का दस्तावेज है। सिंधु घाटी सभ्यता के भग्नावशेष तो मौन मुखर आवाज में यह बोल